नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप इसके मात्र एक पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी और पुरानी से पुरानी पथरी को मोम की तरह पिघलाकर बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों आजकल के समय में भारत में पथरी की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों आजकल के समय में लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करने लगे हैं और बहुत ही कम पानी पीने लगे हैं, जिसकी वजह से कुछ मिनरल्स उनके किडनी में या फिर पीत में रुक जाते हैं और वो फिर से पथरी का रूप ले लेते हैं। और फ्रेंड जब पथरी में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो लोग इसका ऑपरेशन करा के इलाज करा लेना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे के इस्तेमाल से आप बिना किसी दवा और बिना किसी ऑपरेशन से इससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा ही पत्ता है जिसके इस्तेमाल से आप पथरी की समस्या से बहुत ही तेजी से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इस पत्ते के बारे में। दोस्तों इस पत्ते का नाम है पत्थर चट्टा। दोस्तों ये आपको बहुत ही आसानी से पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हर समय मिल जाता है। दोस्तों इसकी बनावट आप देख सकते हैं, दोस्तों इसके पत्ते मोटे होते हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं आपको इसका सेवन कब करना होगा और कैसे करना होगा। दोस्तों आपको इसके मात्र एक पत्ते का इस्तेमाल करना होगा रोजाना सुबह और शाम। मात्र आप इसके एक पत्ते को लें और उस पर थोड़ी सी मात्रा में नमक ले लें और दोनों को एक साथ रोजाना सुबह और शाम खाली पेट चबाएं। दोस्तों आपको इसे चबा करके पूरा निगल जाना है और फ्रेंड्स लगभग एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल लगातार एक सप्ताह तक करना होगा और फ्रेंड्स अगर आपकी पथरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसका इस्तेमाल दो सप्ताह तक करें। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आप पाएंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी पथरी की समस्या भी बहुत ही कम समय में खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना पड़ेगा जिससे कि आपकी पथरी पेशाब मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बेहतरीन जानकारी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।